हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके लिए एक पनीर की मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप पहली बार बनाएंगे तो भी आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी और आप रेसिपी बनाने में बिल्कुल फेल नहीं होंगे। और जब आप इसको बनाएंगे तो लोग पूछेंगे आपने ये कहाँ से सीखी है। और ये रेसिपी एकदम टेस्टी है और जब हम इसको खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसके काफ़ी सारे हमें पैसे देने पड़ते हैं। अगर ये रेसिपी हम बड़ी आसानी से घर पर बना सकते हैं तो हमें रेस्टोरेंट में फालतू पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। तो चलो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने एक बाउल में पनीर डाल दिया है और ऊपर से मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और 2 चम्मच मैदा डाला था, 1 चम्मच लाल मिर्ची और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1/2 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको पहले हमें सूखा ही मिक्स करना है, ड्राई ड्राई ही मिक्स करना है, ताकि जो पनीर के अंदर में मॉइस्चर रहता है ना, वो कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों मिलके मॉइस्चराइजर को सोख लेगा। तो इसके लिए हमें इसको सूखा ही मिलाना है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा 1 पिंच के जितना फूड कलर डाला है, ताकि इससे एकदम रेस्टोरेंट वाला कलर आए और स्वाद भी मिलेगा हमें। तो सब चीज़ों को हमें सूखा सूखा इस तरीके से धीरे से मिलाना है, ताकि पनीर हमारी टूटे नहीं। और इसके ऊपर में हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, पानी एक साथ नहीं डालना है। आपको परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप करके मत देखना। तो देखो, इसको हम इस तरीके से हल्के हाथों से धीरे धीरे ही इसके ऊपर में एक अच्छी कोटिंग बनानी है। और इसकी कोटिंग हमें ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी रखनी है, बस पनीर के ऊपर में एक लेयर आ जाए। और जब हम पनीर को फ्राई करेंगे तो पनीर हमारा अंदर से एकदम मुलायम रहेगा और ऊपर की कोटिंग रहेगी वो एकदम क्रिस्पी रहेगी। तो पानी डालते वक्त हमें बस इतना ध्यान रखना है कि पानी को हमें धीरे धीरे ही डालना है। और इसके ऊपर में जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो एकदम बैठ जाता है, जम जाता है, इसके लिए धीरे धीरे करके ही इसको मिलाना है। और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए और जो भी मसाले हैं पनीर के अंदर में उसका एक अच्छा फ्लेवर आए। तो देखो, इस तरीके का इसका कलर भी अच्छा लग रहा है। जब ये फ्राई होगी तो इसका कलर और भी अच्छा दिखेगा। तो इस तरीके से हो गया है। अभी हमने कढ़ाई लिया है, उसके अंदर में ऑयल डालेंगे। मैंने सोयाबीन ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हो। ऑयल जब तक हमारा गरम हो गया है, तो अभी थोड़ा सा पहले हमने उसमें डाल के देखा कि हमारा ऑयल गरम हुआ कि नहीं। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अभी हम इसके अंदर में एक एक करके सारी ही पनीर डालेंगे। एक साथ पूरा पनीर हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगी। तो आप चम्मच की सहायता से या अपने हाथ से एक एक पीस उठा के इसमें डाल सकते हो। ऐसे धीरे धीरे करके डालना है, ताकि सब एक दूसरे में चिपके नहीं। और इसके अंदर में जो ऑयल है हमारा एकदम हीट होना चाहिए। ऑयल हमारा हल्का गर्म रहेगा तो ये पनीर हमारी अच्छे से फ्राई नहीं होगी, ऊपर की कोटिंग हमारी ऐसे नरम रहेगी और पनीर अंदर से कड़क हो जाएगा। तो इसमें ऑयल हमें अच्छे से गर्म करना है। ये देखो, इस तरीके का भी फ्राई हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा ऐसा पलट लेंगे, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से सीख जाए। और ये पनीर हमारा अच्छे से सीख गया है, एकदम फ्राई हो गया है, इसका कलर भी अच्छा गोल्डन दिख रहा है। देखो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये हो गया है। तो इसको हम ऐसे एक प्लेट के अंदर में निकाल लेंगे। प्लेट में मैंने एक टिश्यू पेपर रखा है, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अभी हम दूसरे बैच की भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। जैसे हमने पहले एक एक करके डाला है, वैसे एक एक करके ही हमें सारी पनीर को डाल देना है। मैंने कुछ 350 ग्राम पनीर लिया है, तो मैं इसको 3 बैच में फ्राई करूँगी। अगर आपका कढ़ाई बड़ा है तो आप एक साथ ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हो। ये देखो, हो गया है हमारे दूसरा बैच का पनीर, और कितना सुंदर दिख रहा है, एकदम क्रिस्पी बना है और पनीर हमारा अंदर एकदम मुलायम रहेगा। ये देखो, हमने इसको ऐसे एक साइड में अभी रख लेंगे। ये हमारा पनीर पूरा तल के तैयार हो गया है। ये देखो, कितना सुंदर दिख रहा है।
अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें ऑयल डाला है, कुछ 4 चम्मच के जितना ऑयल डाला है, और लहसुन को मैंने बहुत बारीक चॉप करके रखा था, चॉप वाली लहसुन डालेंगे। और ऊपर से जो अनियन रहता है उसका जो सफ़ेद वाला पार्ट है वही हमें यूज करना है, अनियन डाला है और अदरक का पेस्ट डाला है 1 चम्मच के जितना। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमें जल्दी जल्दी चलाना है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और मैंने एक शिमला मिर्च डाली है, उसको भी ऐसे पतला काट लिया था। और सब चीज़ों को हमें अच्छे से सेक लेना है। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसको हल्का हल्का ही सेक लेना है। अभी ऊपर से हम डालेंगे सहजवान चटनी, कुछ 3 चम्मच के जितनी मैंने डाली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा चटनी डाल सकते हो। और ये डाल दिया मैंने, और ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे केचप। इसके अंदर डालेंगे अभी 2 चम्मच के जितना केचप डालेंगे, टमेटो सॉस डालेंगे। इसको डालने से क्या होगा कि जो हमारी रेसिपी है उसका तीखा वाला बैलेंस एकदम बराबर मेंटेन हो जाएगा। और ऊपर से डालेंगे सोया सॉस। सोया सॉस डालने से क्या होगा कि इसमें एक अच्छा कलर मिलेगा। तो इसको हमने 2 चम्मच के जितना डाला है। अब इस सब चीज़ों को हम अच्छे से ऐसा मिक्स कर लेंगे। फटाफट से इसको मिक्स करना है। देखो इस तरीके से मिक्स हो गया है। थोड़ी देर इसको इस तरीके से पकने देना है 2 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो सॉस है वो अच्छे से पक जाए। स्वाद अनुसार नमक डाला है और काली मिर्ची डाली है 1/2 चम्मच के जितनी। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अच्छे से। तो फ्रेंड्स, मैंने रेसिपी में पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप लोग मेरे तरीके से एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये देखो ये थोड़ा पक गया है, तो इसके अंदर हमने थोड़ा 1/2 कप के जितना पानी डाला है। इसको ज़्यादा पतला ग्रेवी हमें नहीं करना है। और 1 कटोरी में 3 चम्मच के जितना पानी लिया, उसमें 2 चम्मच के जितना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और सब चीज़ों को अच्छे से ऐसा मिक्स कर देंगे। इसकी एक स्लरी बन जाएगी, एक घोल बन जाएगा इसका। इसको बनाते वक्त हमें चम्मच से इसको फटाफट चलाना रहता है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर रहता है वो एकदम नीचे बैठ जाता है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती है। और ये हमारी ये जो ग्रेवी थी उसके अंदर में हमने थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर को डालना है, ऐसे एक साथ पूरा नहीं डालना है, नहीं तो एकदम जम जाएगा ये। इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और फटाफट से चलाना है, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। तो इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते जाना है और ये अच्छे से पक जाएगा, तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसको हमें लगातार इसी तरीके से चलाते रहना है ताकि कॉर्नफ्लोर है वो नीचे बैठे नहीं और अच्छे से हमारा ये चटनी है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। इसमें ग्रेवी अच्छी बन गई है। और जो हमारा पनीर हमने फ्राई करके रखा था इसको अंदर में ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे। ये देखो अच्छे से पनीर का डाल दिया है हमने और सब चीज़ों को धीरे धीरे करके ग्रेवी के अंदर में अच्छे से डिप कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जब ये डिश हम बनाते हैं तो इसकी अरोमा इतनी अच्छी रहती है कि अपने आस पड़ोस में भी पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ तो बन रहा है। तो ये इतनी टेस्टी और यम्मी वाली डिश है, इसीलिए तो लोग इसको खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। अगर आप लोग मेरे तरीके से एक बार बनाओगे तो रेस्टोरेंट जाना ही भूल जाओगे, क्योंकि ये पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। मैंने एकदम सरल और आसान तरीके से बताई है आपको। तो देखो इस तरीके से हो गई है, बनके तैयार है। अभी हम इसको प्लेट के अंदर में निकाल लेते हैं, सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।